देगरा शहर के बिरसा मुंडा चौक में सोमवार 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर में कृषि विभाग की ओर से रानभाजी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन पंचायत समिति सभापति अनिता दिवाकर राठौर के हाथों हुआ है। इस मौके पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को अभिवादन किया गया। इस मौके पर तहसील के आदिवासी समाज बंधु और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। वहीं देगरा शहर के नागरिकों ने भी इस रानभाजी महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महोत्सव में आयोजित सब्जियों की प्रदर्शनी में किसानों और आदिवासी बंधुओं ने न सिर्फ विभिन्न सब्जियों की बिक्री की बल्कि जंगल में पाई जाने वाली गुणकारी सब्जियों के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि यह सब्जियां सेहत की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। एक तरफ जहां देश और दुनिया भर में कोरोना महामारी का संकट बना हुआ है, वहीं इन सब्जियों के सेवन से प्रतिकार शक्ति बढ़ाकर संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है। औषधी रान औषधी गुळवेल घेऊन आलेलो आहे। या गुळवेलाचा जे उपयोग आहे हे आपल्या शुगर लेवल याला कंट्रोल होते, तसंच कोरोनामध्ये या गुळवेलाच्या काढ्यामुळे बरेचसे पेशंट चांगले झाले। त्यानंतर जे ॲसिडिटी असते, ज्या व्यक्तीला ॲसिडिटी असेल त्याने सकाळी जर या गुळवेलाचा समजा रस घेतला तर त्याच्यामुळं 8 दिवसात त्याला ॲसिडिटी कंट्रोलमध्ये होते। इस महोत्सव में कटोली, चिवय, आखाड़ा, पाथरी, खोल, अंबाड़ी, तांदलजा, कुर्डू, गिलोय, शेवका, आवला, तरोटा, फांदभाजी, मायाड़ू, बीबा, सुरनकंद, गौती चहा, रान, ओवा, केना, कवट, रान आवला, राजगिरा, अडुलसा, गोदनी, बांबूकंद, करवंद, रान तुलस, एकड़, हरसन, अंबाड़ी, दीडा आदि सहित लगभग 40 से अधिक जंगली सब्जियां, फल और औषधि वनस्पतियों का प्रदर्शन और बिक्री की गई। सूत्रों ने बताया कि इस महोत्सव में सब्जियों की खरीद फरोख्त में लगभग 40,000 रुपए का कारोबार हुआ है। इस महोत्सव में तहसीलदार राजेश वजीरे, गट विकास अधिकारी खरोली, थानेदार सोनाजी आमली, डॉक्टर विष्णु उकंडे, उत्तम राव ठोकर, तहसील कृषि अधिकारी SS राजपूत, कृषि अधिकारी अर्जुन जाधव, चंदन कलो से डॉक्टर उत्तम राठौर, तहसील कृषि विभाग के आत्मा BTS, कृषि सहायक, कृषि पर्यवेक्षक और साथ ही तहसील के किसान उपस्थित थे। मिशन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।